हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रेडी मिक्स गुलाब जामुन। मेरे पूरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं रेडी मिक्स गुलाब जामुन पाउडर। ये आधा किलो का पैकेट है। इसको हम दूध की सहायता से इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में हम थोड़ा सा घी भी लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं और हम जैसा डो चाहते हैं वैसा ही ये तैयार हो सके। तो इसको मसल मसल के हम इसको तैयार कर लेंगे। तो हमारा डो अब रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे और ढककर इसको 20-25 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। तो अब हम चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। इसके लिए हमने 1 किलो चीनी लिया है, वो हमने एक भगोने में डाल दिया है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, 1 लीटर या 1.25 लीटर इतना पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैं ग्लास से नाप रही हूँ, ये देखिए ये 4 ग्लास मैं पानी डालूँगी इसमें, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। इसको डालने के बाद हमको चूल्हा जला देना है और आँच को बिल्कुल फुल रखना है। फुल रखने के बाद जब ये खोल जाएगा, घुल जाएगा, उसके बाद हम आँच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर ही सिरप को हमको 5 मिनट तक और पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, ये देखिए हमने डाल दिया है। और इसको अच्छे से खोलने देंगे, इसको हल्का सा चला लेंगे। चलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढककर एक किनारे रख देंगे। तो अब 20 मिनट हो गए हैं, हमारा डो देखिए कितना बढ़िया तैयार हो चुका है, एकदम चिकना बिल्कुल। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। मैं थोड़ा बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बनाना पसंद करती हूँ। साइज़ आप अपने मन मुताबिक भी रख सकते हैं। हमको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गोलियों में क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना तलते समय ये चिटक जाएंगे और अच्छे नहीं दिखेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपनी सारी गोलियां तैयार कर लेते हैं और अब चलते हैं तलने की तरफ। तो अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, आप घी या डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने तेल ले लिया है कढ़ाई में और उसको आँच हमने फुल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, तेल को चेक करने के लिए हम इसमें सबसे पहले एक छोटी सी गोली डाल देते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया है, इसका मतलब हमारा तेल अब रेडी हो चुका है बाकी की गोलियों को फ्राई करने के लिए। तो हम इसको निकाल लेंगे और जो हमने गोलियां बना के रखी हुई हैं वो हम इस तेल में डाल देते हैं और आँच को हम पूरा स्लो कर देंगे। हम तेल में एक एक करके ही गोलियों को डालेंगे, एक बार में बहुत सारी गोलियां हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूलने के बाद बड़ी हो जाते हैं, इसलिए हम एक बार में ज़्यादा गोलियां इसमें नहीं डालेंगे। हमने इसमें करीब 10 गोलियां एक साथ डाली हैं और किनारे किनारे आप देख लीजिए इतना ऑयल बचना चाहिए। और इनको धीरे से स्पून की सहायता से हम पलटेंगे, बहुत ही आहिस्ता से, नहीं तो ये टूटने और फटने का डर रहता है, बहुत ही नाजुक होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कलछे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इनके टूटने फूटने का कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। ये देखिए तो हमारे रसगुल्ले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, गुलाब जामुन हमारे, और हम इनको धीरे धीरे निकाल लेते हैं। और हमको इनको धीमी आँच पर ही फ्राई करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम इनको निकाल लेते हैं।
तो हमने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं, अब हम इनको उस चाशनी में डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। ये देखिए हम इस चाशनी में सारे गुलाब जामुन डाल देंगे और ऊपर से थाली ढक देंगे और इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे और चाशनी में डालते जाएंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद उनको फिर एक प्लेट में निकालते जाएंगे। हम उनको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ही फूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिरप पी लेंगे, इसलिए 10 मिनट से ज़्यादा हम इनको नहीं रखेंगे। ये देखिए चाशनी पीने के लिए छोड़ देना है और थाली ढक देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं और उनको सिरप में डाल दिया है चाशनी में, और देखिए कितने बढ़िया फूले हैं मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। देखिए हमने इसकी प्लेटिंग भी कर लिया है और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, मुँह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है बस उठाएँ और मुँह में रख लें। तो देर किस बात की है, आप फटाफट बनाइए और खाइए और अपने दोस्तों को और घर वालों को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।